हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि भैया आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए खोज खोज के बेहतरीन इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते हैं। आज की अपडेट आ रही है इसरो की तरफ से। यहाँ पर असिस्टेंट, यहाँ पर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और कुछ वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए फ्रेशर्स आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट सरकारी नौकरी लगेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। 40,000 रुपीज पर मंथ तक आपको यहाँ पर मिल जाने का है। डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर, और सबसे पहले करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाने की है। इसरो में 525 से ज्यादा वैकेंसीज निकली हुई है परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए। असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और कुछ वैकेंसीज निकली हुई है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन यहाँ पर कुछ रखी गई है जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जब वो पॉइंट आएगा मैं क्लियर कर दूंगा। तो सीधे चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जो आया है इसरो की तरफ से, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। असिस्टेंट की पोस्ट अहमदाबाद में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, श्रीहरिकोटा में और भी जगह में निकली हुई है। टोटल 339 पोस्ट असिस्टेंट की निकली हुई है। पोस्ट कोड है इसका 1, इसके बाद पोस्ट कोड है 2। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है अहमदाबाद में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, न्यू दिल्ली में, श्रीहरिकोटा में और अलग अलग जगह में निकली हुई है। टोटल 153 पोस्ट निकली हुई है पोस्ट कोड 2 में। पोस्ट कोड नंबर 3 अपर डिविजन क्लर्क के लिए है। पोस्ट कोड नंबर 4 स्टेनोग्राफर के लिए है। पोस्ट कोड नंबर 5 असिस्टेंट के लिए है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर रिक्रूटमेंट होगा। इसमें हैदराबाद में और तिरुवनंतपुरम में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 3 वैकेंसी निकली हुई है और पोस्ट कोड है नंबर 6, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए है। हैदराबाद में सिंगल वैकेंसी निकली हुई है, टोटल सिंगल वैकेंसी निकली हुई है। तो कुल मिलाकर 526 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो भैया यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले हर कोई अप्लाई कर सकता है, डिग्री वाले हर कोई अप्लाई कर सकता है, बीटेक वाले हैं आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 की ये जॉब है, परमानेंट सरकारी नौकरी लगेगी। 25,500 प्लस TA DA HR आपको यहाँ पर मिल जाने का है, यानी कि वही 40,000 रुपीज पर मंथ तक यहाँ पर आपको मिल जाने का है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, पोस्ट कोड 135 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ, और ग्रेजुएशन होने में जितना टाइम लगता है उतने ही टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रेजुएशन 3 साल का है तो आप 5 साल में कंप्लीट कर रहे हैं, या BE BTech 4 साल का है तो 6 साल में कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका जितने समय का है उतने समय में कंप्लीट होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर वगैरह की जो वैकेंसी है, पोस्ट कोड है 2, 4 और 6, इसमें ग्रेजुएशन वाले हर कोई अप्लाई कर सकता है 60% मार्क्स के साथ अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो, और वही ग्रेजुएशन दिए गए समय पर, यानी कि ग्रेजुएशन टाइम पे आपका कंप्लीट होना चाहिए, 1.5 साल आगे नहीं बढ़ना चाहिए, यह भी हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। इसके अलावा जूनियर पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के लिए डिप्लोमा कमर्शियल में है या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में 60% मार्क्स के साथ पास आउट है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें स्टेनोग्राफर में मग दिया गया है। 60 words per minute इन इंग्लिश और कंप्यूटर का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, यह हमें बता दिया गया है। तो ग्रेजुएशन वाले बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए, अगर आप पास आउट हो चुके हैं 60% मार्क्स के साथ। तो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर 28 years 28 साल रखी गई है। एज ऑन 9/1/2023 यानी कि 9th of January 2023 तक भैया आप एज लिमिट में आने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC को एज में रिलैक्सेशन मिल जाने का है। OBC के लिए 31 years एज लिमिट है
और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 33 ईयर्स एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों जैसे मैंने बताया, आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेपरेटली अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा और सेपरेटली आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर्म भरने की फीस 100 रुपए है, तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो हर एक पोस्ट के लिए आपको 100 रुपीज फॉर्म भरने की फीस यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सेम पोस्ट के लिए डिफरेंट जोन्स में अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप पोस्ट कोड नंबर 1 जो असिस्टेंट की वैकेंसी है अहमदाबाद जोन में, उसके लिए अप्लाई करते हैं, पोस्ट कोड नंबर 3 अपर डिवीजन क्लर्क बेंगलुरु में जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई करते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पोस्ट कोड नंबर 1 असिस्टेंट की वैकेंसी अहमदाबाद जोन में है उसके लिए अप्लाई करते हैं और फिर से असिस्टेंट की वैकेंसी जो बेंगलुरु जोन में है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए आप एक से ज्यादा जोन में अप्लाई नहीं कर सकते। आप मल्टीपल जोन में अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वैकेंसीज या फिर पोस्ट अलग अलग होनी चाहिए। अहमदाबाद में और बेंगलोर में और दूसरी जगह में आप असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए एक साथ अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी पोस्ट के लिए आप दूसरे जोन में या सेम जोन में अप्लाई कर सकते हैं, सेपरेटली आपको अप्लाई करना होगा। फॉर्म भरने की फीस के बारे में बात करें, फॉर्म भरने की फीस 100 रुपीज रखी गई है भैया यहाँ पर। हर एक एप्लीकेशन के लिए आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सेपरेटली आपको 100 रुपीज हर एक पोस्ट के लिए देना पड़ेगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले आपको फी पेमेंट कर देना होगा। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होने का है। रिटर्न के सेंटर हमको बता दिए गए हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली और तिरुवनंतपुरम में रिटर्न टेस्ट के सेंटर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई सेंटर बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। दोस्तों अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो रिटर्न एग्जाम किस तरीके से होने वाला है, उसमें क्या क्या सवाल, कौन कौन से टॉपिक से आने वाले हैं, उस बारे में बात करें तो असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए और अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी के लिए जनरल इंग्लिश से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 50 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। जीके से 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। टाइमिंग आपको 2 घंटा यानी कि 120 मिनट्स मिलेगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर होने की है और इसका सिलेबस हमें बता दिया गया है। इसके अलावा अगर आप जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। और एप्टीट्यूड और जीके से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। 2 घंटे का आपको समय, 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहां पर होने की है और इसका सिलेबस भी हमें बता दिया गया है। इसके बाद यहां पर स्किल टेस्ट होने का है। स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। स्किल टेस्ट बस आपको क्वालिफाई करना है। जो फाइनल सिलेक्शन होने का है वो रिटर्न टेस्ट में आपके कितने नंबर आए हैं उस हिसाब से फाइनल सिलेक्शन होने का है। स्किल टेस्ट बस क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों फॉर्म खुल चुका है इस महीने की 20 तारीख से, 20 दिसंबर 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9/1/2023 यानी कि 9th of January 2023 रखी गई है। तो दोस्तों क्या आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, क्या आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक, अप्लाई करने के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो यह भी मेरे को बता दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भाई लोग पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक जरूर करना भाई, शेयर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।